नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आज के समय के अंदर जो ये कठिन से कठिन समय आता जा रहा है, तो उसमें क्या कह रहे हैं लोग, क्यों कल की अवतार के बारे में इतनी ज़्यादा बातें करी जा रही हैं, क्या कल की अवतार एक सभी लोगों को कलयुग से निकाल कर एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे आयाम पर ले जाएंगे कि जहाँ पर चारों ओर सत्य, अहिंसा और पाप मुक्त राज्य होगा। तो ये सभी लोगों के लिए ये आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कल की भगवान का जो कार्य है उसको किस प्रकार से निभाया जाएगा, आज मैं इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। कलयुग के समय में जो ये कठिन समय चलता आ रहा है, जिसमें सभी लोगों को कलि पुरुष ने अपने माया जाल के अंदर घेर रखा है और लोग उसके अंदर बहुत ज़्यादा फंसते जा रहे हैं, उनकी मानसिकता शून्य होती जा रही है, उनके पाप बढ़ते जा रहे हैं। तो आज की डेट में जो लोग हैं वो कभी किसी धर्म को बड़ा मान रहे हैं, कभी किसी पुरुष को बड़ा मान रहे हैं, कभी किसी संत को बड़ा मान रहे हैं। तो ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कल की अवतार वो अदृश्य रूप से वो कार्य करना स्टार्ट कर चुके हैं कि जो लोग सत्य को स्थापित करने के लिए एक नई रूपरेखा का निर्माण करेंगे, जो सतयुग के अंदर निर्माण का कार्य करेगी। इसलिए प्रभु ने वो अपना कार्य अदृश्य रूप से जो चालू कर रखा है, उसके अंदर भयंकर बाढ़, भयंकर जलप्रलय, भयंकर भूकंप, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। इसके अंदर बड़ी बड़ी कठिनाइयां आप लोगों के सामने निकल के सामने आएंगी, क्योंकि जो भी लोग होंगे आज की डेट में कहा जा रहा है जो 90% लोग समाप्त हो जाएंगे, वो किस लिए समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वो मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं, चारों ओर धन कमाने की लालसा के अंदर फंसे हुए हैं और सभी लोग आत्म चेतना की भावना को भूल चुके हैं, आत्म चेतना की शक्ति को भूल चुके हैं। केवल 10% लोग ही हैं जो इस कार्य के अंदर जुड़े हुए हैं, बाकी सभी लोग नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाते जा रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को ख़त्म करते जा रहे हैं। और इसी सारे संभलने के लिए पृथ्वी अपना प्रकोप दिखा रही है, पृथ्वी अपने आप को उस आयाम पे ले जा रही है जहाँ पर कठिन से कठिन कार्य को बड़ी सरलता से कर दिया जाएगा। तो जो लोग आत्मज्ञान के अंदर, आत्म चेतना के अंदर जुड़े रहेंगे, साधना के अंदर जुड़े रहेंगे, वो कल की भगवान के साथ में आसपास की जितनी भी बुराइयां हैं उनसे हट के खुद कल की भगवान के साथ मिल के उनको पाने की चेष्टा करेंगे और कल की भगवान उनके लिए रास्ता बनाते चले जाएंगे और अपने परिवार को भी उस मार्ग पर लेके जाएंगे जो उनको बुराई से, इस काले गड्ढे से निकाल कर एक सच्चाई की खुले आसमान के नीचे लेके आएगा। क्योंकि कल की अवतार 64 कलाओं से युक्त है, जो श्री राम और श्री कृष्ण की मिली जुली शक्तियों से युक्त है, उनकी शक्तियाँ इतनी अपार हैं कि वो उसको इस्तेमाल करके पूरी धरती के ऊपर एक बार में स्थापना, सत्य की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन एक बार में की गई स्थापना वो कार्य नहीं कर पाएगी जिस प्रकार से श्री राम ने किया था, पहले एक एक नीति और नियम का पालन करके राक्षसों का अंत किया, फिर श्री कृष्ण ने एक एक करके सभी राक्षसों का, बुरी शक्तियों का अंत किया। उसी प्रकार से कल की अवतार भी धीरे धीरे नैतिक की नीति को अपनाते हुए ये कार्य करते चले जाएंगे। धरती के ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने अपनी स्थापना शुरू करी है, इस बार धरती जो बड़े बदलाव से गुजर रही है, आज ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, किसी ने भी इतना बड़ा बदलाव नहीं देखा होगा। उत्तराखंड में पिछली बार जब 2013 के अंदर बड़ी परले आई थी, वो परले भी एक बदलाव का कार्य करती हुई आई थी, लेकिन लोगों ने उस बदलाव को अपनाया नहीं, फिर से और ज़्यादा तेज़ी से उस कार्य को करते हुए उस तीर्थ स्थल को एक घूमने के स्थान में परिवर्तित कर दिया। तो ये बात सच्चाई है, जब अवतार जन्म लेते हैं तो वो चारों ओर उस पाप मुक्त राज्य की स्थापना करते हैं कि जो एक ऐसी रूपरेखा का निर्माण करती है कि जिनके साथ में सारे लोग मिलके आगे चल पाते हैं।
तो धर्म की रक्षा करने के लिए, स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए कल्कि भगवान वो रूपरेखा का निर्माण, नव निर्माण का कार्य शुरू कर चुके हैं। तो ये बात आप जानिए, जो युग परिवर्तन के समय चक्र, जो ये काल चक्र चल रहा है, उस चक्र को पार करके जो भी लोग सत्य की राह के ऊपर चलते हुए आगे बढ़ेंगे, पूरे समाज को आगे बढ़ते हुए लेके चलेंगे, उसकी जिम्मेदारी कल की अवतार के साथ साथ हम सभी लोग एक बीड़ा उठाएंगे और अपने और अपने परिवार को सत्य के मार्ग पर लेके जाएंगे। ये बात समझिए कि अब धर्म युद्ध की स्थापना का समय आ गया है। लोग नव कोई ना कोई किसी ना किसी कार्य के अंदर जुड़कर अपने अपने धर्मों को बढ़ाने का कार्य करेंगे। अभी जो थर्ड टेंपल बन रहा है, जिसको कलि पुरुष का टेंपल कहा जा रहा है, अब इसकी क्या सच्चाई है, अभी मैं ये वीडियो आप लोगों के पास में नहीं लेके आया हूँ, क्योंकि मैं खुद जानना चाह रहा हूँ कि आखिर उस सच्चाई के बारे में सभी लोगों को पता चले। पहले संपूर्ण रूप से सारी चीज़ों को एकत्रित करके मैं आप लोगों को बताऊँगा। आज की डेट में प्रभु ने जो सभी लोगों के ऊपर कंट्रोल कर लिया है और कलि पुरुष भी अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है इस कलयुग के समय में, पाप को लगातार बढ़ाता जा रहा है, तो यही कारण है जो परले की रूपरेखा सामने निर्वहन करती हुई आ रही है। क्योंकि पूरी सृष्टि, पूरे संसार के अंदर ये कार्य उत्पन्न हो गया है। किसी भी देश के अंदर शांति का माहौल नहीं है, सभी देशों के अंदर हाहाकार मची हुई है। कभी कोई तूफान से परेशान है, कोई भूकंप से परेशान है, कोई बाढ़ से परेशान है, कोई बांध टूटने की समस्या से परेशान है, कोई भुखमरी से परेशान है। तो ये परेशानियों का दौर लगातार एक के बाद एक बढ़ता ही जा रहा है और ये दौर रुकने वाला नहीं है। क्योंकि कलयुग का समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, उसके मध्य में जो ये युग परिवर्तन का समय आएगा, इस परिवर्तन के दौर के अंदर मनुष्य नव निर्माण का कार्य करेगा और आने वाले समय को इस रूपरेखा के अनुसार बदलाव करेगा कि वो ही निर्धारण करेगा कि घोर कलयुग के अंदर लोग किस प्रकार से रहेंगे और उसके बाद में सतयुग की स्थापना किस प्रकार से की जाएगी। क्योंकि कल्कि अवतार जो अदृश्य रूप से ये कार्य करेंगे, मनुष्य की चेतना को जागृत करने का कार्य करेंगे, मनुष्य के अंदर सकारात्मक सोच बढ़ाने का कार्य करेंगे, वो कार्य ऑलरेडी चल रहा है। लोगों के अंदर प्रकृति से खौफ पैदा हो चुका है, इस नेगेटिव एनर्जी को डाउन करने की क्रिया ऑलरेडी चालू हो गई है। चारों ओर पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने का कार्य चल रहा है। बहुत सारे मत, बहुत सारे संगठन भी ये कार्य कर रहे हैं और संगठनों और मठ से हटते हुए भी हम सभी लोग भी अपने अंदर आत्मचेतना की भावना को जगाते हुए कार्य कर रहे हैं। तो आप लोगों के सामने क्या हम लोग उस चीज़ के लिए पूर्ण रूप से प्रिपेयर हो रहे हैं? तो आगे भी अपने परिवार को, अपने समाज को प्रिपेयर करने की आवश्यकता, वो भार अब हम लोगों के कंधों के ऊपर आ गया है। तो कल्कि अवतार का ये कार्य हम लोगों को पूर्ण रूप से स्थापित करना है और इसको नवनिर्माण के एक नई रूपरेखा, एक नए आयाम तक पहुँचाना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से मिली जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपके सामने एक नई जानकारी, एक नई भविष्यवाणी के साथ में आऊँगा आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर।